ये एक छोटा बच्चा है जिसको भगवान ने एक बहुत बड़ी पावर दे दी है और उसको खुद नहीं समझ आई कि उस पावर की स्ट्रेंथ क्या है। इतना कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस था, कंसिस्टेंटली कर रहा था कि इनको वो चाहिए था। इनको मालूम था वर्ल्ड कप जितना है तो हमें युवराज सिंह चाहिए। वनडे क्रिकेट में पिछले दशक के हमारे सबसे अव्वल मैच विनर एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने करियर के शिखर पर जैसे ही पहुंचे उन्हें एक गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। 1999 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में युवराज सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे और उनके इस प्रदर्शन की बदौलत हम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। फौरन उन्हें 2000 में खेले जाने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। अपने पहले मैच में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, लेकिन अपने दूसरे मैच में जो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल था, उन्होंने मात्र 80 बॉल में 84 रन जमाए, सनसनी सी मचा दी। एक बड़ा मैच, मजबूत प्रतिद्वंदी, युवराज की ओर से एक बेहतरीन प्रदर्शन और मैन ऑफ द मैच का खिताब। ये मानो युवराज सिंह के करियर का ढांचा सा बन गया। ये एक छोटा बच्चा है जिसको भगवान ने एक बहुत बड़ी पावर दे दी है और उसको खुद नहीं समझ आई कि उस पावर की स्ट्रेंथ क्या है। इक्कीसवीं सदी के पहले दशक में युवराज भारत के लिए एक बड़े मैच विनर साबित हुए और लगातार एक ऑलराउंडर के रूप में वो अपना योगदान देते रहे। 2011 के आईसीसी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब हासिल कर वो अपने करियर के शिखर पर थे और फिर अकस्मात एक दिल दहला देने वाली खबर मिली। थोड़े टाइम से ही वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड ही वॉज कॉफिंग आउट, देयर वाज सम ब्लड एंड ऑल कमिंग इन। सो ही सेड यार बुरी हालत। मैंने कहा क्या हो गया? कहा कैंसर। सिंपल एक उसका मैसेज आया तो मैंने इमीजिएटली फोन किया। मैंने कहा क्या कह रहा है? हाँ तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी शेकन जस्ट लाइक एवरीबडी हू हर्ड द न्यूज वाज। इतना कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस था, कंसिस्टेंटली कर रहा था कि इनको वो चाहिए था। इनको मालूम था वर्ल्ड कप जितना है तो हमें युवराज सिंह चाहिए 11 में। उसमें उसकी हेल्थ अफेक्ट हो गई। वी वुड हैव लॉस्ट A human being, not a creator. A human being. It was so serious. Right, you go from the high of literally taking your country to a World Cup win, और उसके बाद आप को बीमारी हो जाती है जो लोग कहते हैं कि अब आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन और ये सब, यू नो, यू लूज ऑल योर स्ट्रेंथ एंड एवरीथिंग। मतलब इट्स बिजार कि एक साल में क्या देखा उसने। इट वॉज शेयर हिज विल पावर कि आज आज वो जिंदा है। वो बोले कि मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। आई थिंक ना अमेजिंग मेंटल टफनेस, अमेजिंग। आई मीन टू कम बैक आउट ऑफ इट अगेन टू प्ले फॉर इंडिया एंड डू वेल इज समथिंग फैंटास्टिक। हैट्स ऑफ टू हिम। युवराज सिंह कैंसर से भी अपने दृढ़ अंदाज में लड़े और अन्य प्रतिद्वंदियों की तरह उन्होंने कैंसर को भी शिकस्त दी। वो ना ही भारत के सबसे फेमस कैंसर सर्वाइवर हैं बल्कि करोड़ों भारतवासियों के लिए एक मिसाल हैं। उन्होंने इंडियन क्रिकेट में वापस अपनी जगह बनाई। दर्शक और फैंस ने उन्हें बेशुमार प्यार दिया। उनकी लोकप्रियता बरकरार रही और इसका प्रतीक है आईपीएल फ्रेंचाइजीज का उनके लिए ऊंचे से ऊंचे बिड्स करके उन्हें अपनी टीम में रखना। जब चाहो ऑन हो जाओ, एपिक ऑन चलाओ। अवेलेबल अक्रॉस ऑल डिवाइसेस।